हम बात कर रहे हैं IRCTC की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% तक के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। इससे पहले हमने 1080 तक के टारगेट को डिस्कस किया था। चैनल पर वीडियो मौजूद है, चाहो तो आप देख सकते हो। स्टॉक ने उसी लेवल से रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई, लगातार गिरावट दिखाता हुआ नज़र आया। इस गिरावट के बाद स्टॉक ने सपोर्ट कहाँ लिया, जहाँ इससे पहले स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 980 का लेवल। हम देख सकते हैं स्टॉक ने उसी सपोर्ट से सपोर्ट लेकर एक जम दिखाया। 1020 के लेवल पर रिजेक्शन फेस करके गिरावट आई, तो इस गिरावट के साथ अपने इस लो को यानी 980 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया। 980 के सपोर्ट से अगेन रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। अब अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो 980 का लेवल तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जब तक इसके ऊपर है IRCTC में अपसाइड के चांस बने हुए। जिस दिन भी इस लेवल को ब्रेक डाउन कर गया उसके बाद बड़ा फॉल IRCTC दिखा सकता है। अब हम बात करें टारगेट की, तो स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग डे में जहां से रिजेक्शन लिया 1000 का लेवल इमीडिएट टारगेट रहेगा। इसको ब्रेकआउट करके 1010 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है आने वाले ट्रेडिंग डे में, और नेक्स्ट टारगेट बनेगा फिर और तगड़ा रेजिस्टेंस रहेगा 1020 का लेवल। इस लेवल को ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट है IRCTC के लगातार तेज़ी के लिए। लेकिन जिस तरह से स्टॉक ने उसी लेवल पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया है, तो इसके ब्रेकआउट के भी चांस अब बन रहे 1020 के लेवल के। अगर 1020 का लेवल ब्रेकआउट हो गया तो अगला टारगेट 1040 और इस बाउंस बैक के साथ 1080 तक के टारगेट फिर हमको अगेन IRCTC में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।